Hello students, welcome you again on my channel e-learning is Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 61. Subject हमारा English है, class हमारी 9th है बच्चों और हम आज कितनी date है हमारी 3rd of December है. आज 3 December की हम worksheet कर रहे हैं Thursday की. जैसे कि हमने जो हमारी Tuesday वाली worksheet थी this for the top जो हमारा chapter number 8 है बिहाई बुक का वो हमने start किया था और उसमें हमने संतोष यादव से रिलेटेड अपने जो वर्कशीट है वो आई थी हमारे संतोष यादव से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे. आज की बच्चों जो वर्कशीट आई है वो है रेस फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट है मारिया शारापोवा. देखो संतोष यादव जो इंडियन गर्ल थी हरियाणा की लड़की थी और जो एक माउंटेनियर बनी अपनी किसकी वजह से अपने गुड डिटरमिनर्स की वजह से और अपने फिजिकल एंड्योरेंस मेंटल टफनेस की वजह से. तो इसी प्रकार मारिया शारापोवा जो है मारिया शारापोवा एक साइबेरियन टीनेजर है और उसने भी किस प्रकार वो एक टेनिस प्लेयर है और किस प्रकार उसने सक्सेस और स्टारडम हासिल की है अपनी लाइफ में कौन से चैलेंजेस उसके सामने आए क्या क्या प्रॉब्लम उसने फेस की कितनी मेहनत की हार्ड वर्क के द्वारा वो इस स्टारडम पर पहुंची है. तो ये आज की हम वर्कशीट में करेंगे और लास्ट में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं. हमारे जो वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है क्योंकि इसमें हमसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं. क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा ज्यादा क्वेश्चन है 4 शॉर्ट है फिर 4 क्वेश्चन है और फिर 2 क्वेश्चन लॉन्ग 2 क्वेश्चन है. तो बेटा स्टोरी को ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. मारिया शारापोवा हैज बीन ए नंबर 1 टेनिस प्लेयर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड. 18 ईयर्स ओल्ड मतलब 18 साल की उम्र में ही मारिया शारापोवा क्या बन गई थी एक गुड एक फेमस टेनिस प्लेयर. There is something at odds with Maria Sharapova with her smile and dress. This lifted her on 22 August 2005 to the world number one position in women tennis. मतलब 22 अगस्त 2005 को तो थी the world number one position की जो हुई है women tennis में बन गई थी. She is a Siberian teenager. ये एक साइबेरियन युवा लड़की है. It took her 4 years to achieve that top position. जिसमें पोजीशन पर स्टॉक पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसे 4 साल लगे मतलब पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसे 4 साल लगे. मारिया क्लाइम अपवर्ड स्टार्टेड 9 इयर्स बिफोर. देखो मारिया शारापोवा ने वैसे तो जो इसके लिए मेहनत करनी स्टार्ट कर दी थी अपवर्ड मतलब ऊंचाई को छूने के लिए मेहनत कब से करनी स्टार्ट कर दी थी जब तक वो 10 इयर्स की भी नहीं हुई थी. सी वाज नॉट येट 10 वो अब तक 10 इयर्स की नहीं हुई थी. व्हेन शी वाज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका जब उसे अमेरिका भेज दिया गया था अमेरिका जाना पड़ा था. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर अपने पिता के साथ दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा गई थी वो विद हर फादर यूरी उनके पिताजी थे यूरी. पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टारडम अपने पिता के साथ अमेरिका जाना पड़ा था फ्लोरिडा की ट्रिप पर गई थी यूरी उनके पिताजी का नाम है बेटा. और इस सक्सेस और स्टारडम की ये पहली सीढ़ी थी जो उसने स्टार्ट की थी. बट इट मीन ए सेपरेशन आल्सो 2 इयर्स फ्रॉम हर मदर येलना और उसे अपनी मदर छोटी सी उम्र में उसे अपनी मदर से अलग रहना पड़ा था. उसकी मदर जो थी उसका नाम था येलना. येलना हैड टू लिव इन साइबेरिया ड्यू टू वीजा रेस्ट्रिक्शन. अब इसके पिताजी जो यूरी और मारिया शारापोवा थे वो फ्लोरिडा गए थे और इसकी मम्मी का जो है वीजा रेस्ट्रिक्शन के कारण उसकी मम्मी के साथ नहीं जा पाई थी इसलिए 2 इयर्स तक उसे अपनी मदर से अलग रहना पड़ा था. मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द यूएसए. अब मारिया है जो कहाँ रुकती है यूएसए में रुकती है और वहां पर उसकी ट्रेनिंग चलती है कैसे उसे वहां पर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. मारिया रिकॉल्स दैट मारिया याद करती है सी फेल्ट लोनली इन यूएसए उसे ना बड़ा अकेलापन महसूस होता था जब वो अकेली थी यूएसए में. सी मिस हर मदर ग्रेटली अपनी माँ को बड़ा याद करती थी. हर मदर आल्सो कुड नॉट हर फादर आल्सो कुड नॉट सी हर मदर उसके पिताजी भी उसकी मदर से नहीं मिल पाते थे क्योंकि उसकी मदर तो क्या रह गई थी यहीं पे साइबेरिया में ही और वो अमेरिका चले गए थे. ही अर्नड ओनली एज मच टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग वो इतना ही कमा पाते थे मतलब इतना ही कमा पाते थे कि उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी कि जो मारिया शारापोवा है उसकी जो टेनिस ट्रेनिंग चल रही है वो अच्छे से उसको उसका पे कर सके. ठीक है. सी वाज यंग सी यूज्ड टू टेडी अप द रूम एंड क्लीन इट. वो यंग थी तो वो हमेशा अपने रूम को वैसे तो उसे क्या करना पड़ता था रूम को साफ सुथरा रखना पड़ता था सफाई करनी पड़ती थी. द सीनियर वुड मेक हर डू सो
मतलब देखा है आपने मूवी वगैरह में भी देखते हो आप, जैसे सीनियर है जो जूनियर से किस प्रकार रैगिंग करते हैं, तो जैसे ये भी रूम पे रहती थी तो जो सीनियर थे इसके साथ वो उसे रूम साफ करवाते थे। दिस मेड हर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। अब जो वो उसे काम कराते थे तो इससे वो और मजबूत हुई और अपने आप को उसने मानसिक रूप से भी मजबूत किया, मेंटली टफनेस आई से। शी आल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। अब यहाँ पर अकेले रहते हुए उसने ये भी सीखा कि किस प्रकार अपने आप अपनी हमें टेक केयर करनी है, देखभाल करनी है। शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। उसने कभी भी छोड़ने की कोशिश नहीं की, मतलब मुझे तंग होकर उनसे कहने तो चली जाऊंगा ही, जिससे वो और भी दृढ़ होती गई। ठीक है, सी न्यू व्हाट सी वांटेड। वो जानती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसे क्या चाहिए। सी न्यू व्हाट सी वांटेड। दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर। और मतलब वो जानती थी, ये नहीं था कि वो यहाँ रहने आई है उनसे झगड़ा करने आई है, उनसे झगड़ा करेगी, उनकी बात नहीं मानेगी। नहीं, उसे तो पता था कि ये कोई जरिया है, उसे जाना कहाँ पर है, मतलब उसे क्या हासिल करना, किस लिए आई होगी यहाँ पर। मारिया बिकम्स नंबर वन। अब मारिया नंबर वन बन जाती है, मतलब सी बैग द लेडीज सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। सी बिकम वर्ल्ड नंबर वन इन 2005। विंबलडन में टेनिस का गेम खेलती है वो, पार्टिसिपेट करती है। 2004 में क्राउन जीती है सिंगल वन का, मतलब आपने देखा है डबल में और सिंगल में खेलती है टेनिस प्लेयर, तो सिंगल क्राउन उसे मिलता है 2004 में विंबलडन वाला। और सी बिकम वर्ल्ड नंबर वन, वर्ल्ड नंबर वन बन जाती है 2005 में। हर मंत्रा फॉर सक्सेस। अब उसने अपना कि मुझे सक्सेस, उसने अपना सक्सेस मंत्र बताया है, क्या बताया है, सफलता का रहस्य, सफलता का मंत्र। मारिया है जर्नी फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ वुमेन टेनिस। साइबेरिया से लेकर की जो जर्नी थी, साइबेरिया में उसका जन्म हुआ था, साइबेरिया से लेकर वुमेन टॉप ऑफ वुमेन टेनिस तक पहुंचने की जो जर्नी है वो क्या बताती है। इट हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस। दिस टेल दैट हर सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। मतलब ये जो कुछ उसे सक्सेस स्टारडम मिला है ये सारा क्या है, उसके सेक्रीफाइस, उसके बलिदान का ही, बलिदान की ही कीमत है, वैल्यू है। सी सेज दैट सी वर्क हार्ड एट व्हाट सी डज। वो कहती है मैंने उतनी ही मेहनत की, इतना वर्क हार्ड किया जितना मैं कर सकती थी। मारिया स्पीक्स विद एन अमेरिकन असेंट। मारिया है जो वो अमेरिकन असेंट से बोलती है, मतलब अमेरिकन असेंट में बोलते हैं। सी सॉल्व हर प्राइड टू बी रशियन। उसे एक रशियन होने पर भी गर्व है। सी सेज दैट हर ब्लड इज रशियन। वो कहती है कि मेरा मैं क्या हुआ, मैं अमेरिका में हूँ और अमेरिका की असेंट में बोलती भी हूँ। सी सेज दैट हर ब्लड इज रशियन। उसे वो कहती है कि मुझे रशियन होने पर गर्व है, क्योंकि मेरा खून है जो क्या रशियन है। ठीक है, हाउ एवर द यूएसए इज ए बिग पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे भी मतलब अमेरिका में इसमें टेन जो ट्रेनिंग वगैरह सारी भी है, नाइन टेन अबाउट टेन ईयर्स ओल्ड वो अमेरिका चली गई थी, लेकिन फिर भी कहती है यूएसए एक बिग पार्ट है मेरी लाइफ का, लेकिन मेरा जो ब्लड है, जो खून है वो क्या है, वो तो रशियन है। सी हैज एक्सप्रेस सी विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया। वो इच्छा जाहिर करती है कि अगर वो मतलब ओलंपिक्स में खेलेगी तो किसकी तरफ से खेलेगी, रशिया की तरफ से खेलेगी। इफ दे वांटेड हर टू प्ले, क्योंकि वो रशिया की तरफ से खेलना चाहती है, क्योंकि वो उसमें खून जो उसका ब्लड है वो रशियन है। तो ये थी बच्चों जो मारिया सारापोवा थी, उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया है किस प्रकार क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चैलेंजेस आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मतलब सेक्रीफाइस किया, मदर से भी अलग रही और जो रैगिंग वगैरह होती थी रूम पर उसके साथ वो भी उसने सही, मतलब उसको उसने अपोजिट नहीं लिया कि मैं छोड़ के चले जाऊँ। उसने मेंटल टफनेस दिखाई, इससे उससे और भी ज़्यादा डिटरमिन्ड वो हुई और अपनी जो उसको पाना था, जो वो गेट करना चाहती थी, वो सक्सेस स्टारडम उसने पाई 2005 में। देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो फोर क्वेश्चन है उनका आंसर हमें 20 से 30 वर्ड्स में देना है, और जो नेक्स्ट फोर क्वेश्चन है 40 से 50 में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 100 से 120 वर्ड्स में आंसर हमें देना है। तो यहाँ से करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई वाज मारिया सेंट टू द यूएसए। मारिया को यूएसए क्यों भेजा गया, क्यों गई। मारिया वाज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग। वो अपनी टेनिस ट्रेनिंग के लिए गई। हर मदर कुड नॉट गो विद हर बिकॉज जो वीजा रेस्ट्रिक्शन, और उसकी मदर है जो वीजा रेस्ट्रिक्शन के कारण उसके साथ नहीं जा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज। मारिया है जो अपनी हॉबीज के बारे में क्या बताती है। द
देखो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन हम जो चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे बच्चों, जो हमारी वर्कशीट राइटिंग स्किल्स की होगी, इसके बारे में नहीं आया, लेकिन जब हम चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तो उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी उनकी हॉबीज के बारे में भी। मारियाज हॉबीज आर सिंगिंग, डांसिंग, फैशन। शी लाइक्स टू रीड द नॉवेल्स ऑफ एसी गर्ल। शी इज फॉन्ड ऑफ इवनिंग गाउन्स एंड पैनकेक विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। मारिया को क्या क्या हॉबीज थी? सिंगिंग की, डांसिंग की, फैशन करने की उसकी हॉबीज है। और वो क्या नॉवेल्स पढ़ना है जो वो पसंद करती थी, और उनको पैनकेक जो था क्या विथ चॉकलेट स्प्रेड, चॉकलेट स्प्रेड किया हुआ पैनकेक पसंद है, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक तीनों को पसंद है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हाट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट इन 2004 में मारिया को कौन सी अचीवमेंट मिली थी? इन 2004 सी वॉन हर फर्स्ट मेजर ग्रैंड स्लैम टाइटल एट विंबलडन। आफ्टर दैट इन 2005 मारिया शारापोवा बिकेम द फर्स्ट रशियन वुमेन्स प्लेयर टू अटेन द नंबर वन स्पॉट इन WTA कैरियर रैंकिंग। 2004 में विंबलडन का उसने सिंगल वाला जो था ग्रैंड स्लैम वो जीता था, वो उसकी विनर रही थी, और 2005 में वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर वो बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट वाज द रोल ऑफ मारियाज फादर इन शेपिंग हर कैरियर इन टेनिस। अब उसके पिताजी का, मारिया के पिताजी का फादर का क्या रोल था उसे नंबर वन टेनिस प्लेयर बनाने में? मारियाज फादर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मारिया शारापोवाज लाइफ, क्योंकि वो ही उनके साथ गए थे, अर्न किया उनकी जो टेनिस का ट्रेनिंग का जो भी स्पेंड होता था उसको उन्होंने दिया। एज ही इज द वन हू मोटिवेट हर टू जॉइन टेनिस, उनके पिताजी ही थे जिन्होंने उनको मोटिवेट किया था टेनिस ज्वाइन करने के लिए। एंड ही टुक हर टू USA, वो ही उसे USA लेके गए थे। ही सेक्रीफाइस हिज वाइफ एंड ही लेफ्ट हिज कंट्री, अपनी कंट्री और वाइफ को भी छोड़कर वो मारिया शारापोवा के साथ गए थे। नेक्स्ट है टास्क टू, क्वेश्चन नंबर वन के थोड़े आंसर में आपको इनके जो क्वेश्चन है थोड़े लेंथी रहने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मारिया व्हाट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल, मतलब हमारी कौन सी हेल्प या कौन सी चीज हमें है जो सक्सेसफुल बनाती है अकॉर्डिंग टू मारिया। मारिया के अकॉर्डिंग मारिया इज मोटिवेटेड बाय हर स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस टू कीप मूविंग अहेड, मतलब उन्होंने बोला है कि हमें एक चीज हमेशा मोटिवेट करती रहती है जो स्पिरिट होती है तुलना की, प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिवनेस की, जैसे हर जगह आज क्या है हर जगह कंपटीशन है कि हमें इससे आगे जाना है, ये अगर हमारे अंदर स्पिरिट है तो ये स्पिरिट हमें हमेशा मोटिवेट करती रहती है। सी वर्क्स वेरी हार्ड, वो सी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड वर्क करती थी। वंस शी वाज डिसाइडेड टू अचीव समथिंग, अगर एक बार आपने कुछ पाने का मतलब ठान ली है, डिसाइड कर लिया है, तो उसके लिए हार्ड वर्क करो, मतलब ये उसने बोला है अपने सक्सेस के बारे में, उसने बताया है। सी कंसिडर्ड इट हर जॉब टू एक्सेल डिस्पाइट हार्डशिप्स एंड सेवरल डिमांड्स, दैट इज द सक्सेस मंत्रा फॉर एवरीवन। उसने बोला कि मतलब हमें जो भी हार्डशिप आते हैं मुश्किलें आते हैं उनको डिस्पाइट करना है, और जो हमारी डिमांड्स है उसको भी कंट्रोल करके, और हमें क्या करना है हार्ड वर्क करना है, दैट इज द सक्सेस मंत्रा फॉर एवरीवन, ये उसने अपना सक्सेस मंत्र है वो बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मारिया से अबाउट द सैक्रिफाइस शी हैज मेड, कौन कौन से जो सैक्रिफाइस उसने किए हैं बलिदान किए हैं। शी हैड टू सैक्रिफाइस हर चाइल्डहुड लग्जरीज इन ऑर्डर टू बिकम ए टेनिस स्टार, एक टेनिस स्टार बनने के लिए हमेशा उसने अपने बचपन की जो सुख सुविधाएं थी वो त्याग दी। शी रिमेंड ऑल अलोन एट द एज ऑफ 9 एज हर मदर कुड नॉट अकॉम्पनी हर, जब वो 9 साल की थी तभी से उसने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था, उसकी मम्मी का उसकी मदर का साथ उसे कंपनी नहीं मिली। इफ सी हैड नॉट सैक्रिफाइस हर चाइल्डहुड, अगर वो अपनी चाइल्डहुड को त्याग नहीं करती सी वुड नॉट हैव बिकम ए स्टार, तो आज वो एक स्टार नहीं बन पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक मारिया वांट्स टू प्ले टेनिस फॉर रसिया, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि मारिया है जो टेनिस है वो रसिया के लिए क्यों खेलना चाहती है, क्यों बोला उसने कि मैं रसिया ओलंपिक्स में रसिया की तरफ से खेलना चाहते हैं। तो मारिया सारा मारिया लिव्स इन USA बट एट हर हार्ट शी इज रशियन, वैसे तो वो USA में रहती है लेकिन जो उसका हार्ट है वो क्या है वो एक रशियन गर्ल है। शी सेज दैट हर ब्लड आल्सो टोटली रशियन एंड वांट्स टू रिप्रेजेंट रशिया इन ओलंपिक्स, और वो कहती है जो मेरा खून है वो भी रशियन है और मैं
जो ओलंपिक्स में है किसकी तरफ से रिप्रेजेंट करना चाहते हो क्या आपको रसिया की तरफ से। दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ हर पेट्रियोटिज्म, ये देशभक्ति का संकेत है, एंड हर ट्रू लव फॉर हर कंट्री, और इससे ये भी शो होता है कि वो अपने देश से सच्चा प्यार करती है। और पेट्रियोटिज्म क्या होता है बच्चों, देशभक्ति, मतलब वो एक देशभक्त है। How did Maria Sharapova learn quite early in life that tennis excellence would only come at a price? Maria Sharapova ने ये एक थॉट है जो सच्चाई है जीवन की, क्या बोला है? That tennis excellence would only, अगर टेनिस एक्सीलेंस मतलब उसे मिला है टॉप में वो पहुंची है, would only come at a price, ये एक मतलब इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हमें कोई एक्सीलेंस कोई भी मतलब सक्सेस चाहिए तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इन द यूएसए मारिया सारापोवा हैड टू फेस ए हार्ट रेंचिंग टू ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, मतलब क्या सेक्रीफाइस, क्या कीमत चुकाई है उसने इस एक्सीलेंस पर पहुंचने के लिए। यूएसए में मारिया सारापोवा टू ईयर्स अपनी मदर से अलग रही जब वो बहुत छोटी थी, तो ये क्या था, एक हार्ट रेंचिंग टू ईयर्स उसे सेपरेशन के फेस करने पड़े थे। अनफॉर्चुनेटली हर मदर येलना हैड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज शी वाज नो टीसी वीजा, उसकी मदर को साइबेरिया में ही रहना पड़ा था क्योंकि उनका जो वीजा है वो इश्यू नहीं हुआ था। दिस सेपरेशन मेड हर लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस, जब वो अलग रही थी इतनी छोटी एज में अपने मदर से, तभी उसने सीख लिया था एक इम्पोर्टेंट लेसन, सीख लिया था कि अगर टेनिस के शिखर तक पहुंचना है तो उसकी कीमत तो मुझे चुकानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव रीड अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा, लेट्स ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन द लाइव्स लेड बाय दीज टू इंस्पायरिंग। अब हमें मारिया सारापोवा और संतोष यादव दोनों की स्टोरी हमने पढ़ी है, तो इसमें हमें कंपैरिजन करना है दोनों के बीच। आंसर है, संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा बोथ आर ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी एंड एन इंस्पिरेशन फॉर यूथ, दोनों ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और दोनों ही यूथ को मतलब इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। संतोष यादव, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे संतोष यादव के बारे में। फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन द सेम ईयर, एक मतलब दो बार ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली वुमेन है। नेक्स्ट है, सक्सेसफुल इन टू मेजर अटेम्प्ट्स आईएएस एंड माउंटेनियरिंग एंड ऑफिसर इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये क्या है, ऑफिसर भी रही हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की। और देखो हम इसके कंपैरिजन में ये भी लिख सकते हैं कि संतोष यादव को जो है अपने पेरेंट्स से सपोर्ट भी नहीं मिला था, लेकिन मारिया सारापोवा कंपैरिजन में ये भी आ जाएगा, मारिया सारापोवा का तो क्या है अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिला था, ये भी हम फोर्थ पॉइंट डाल सकते हैं। मारिया सारापोवा रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, ये तो इंडियन थे, माउंटेनियर है, ये रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। सी इज रैंक वर्ल्ड नंबर 27, सी वोन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन 2012, सी मेड हर ब्रेक थ्रो एट द एज ऑफ 17, सी हैज वोन 5 ग्रैंड स्लैम्स, इसने तो क्या है 5 से जो ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं इन्होंने वोन किए हैं, जीते हैं, ये 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है और इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम है जो वोन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन मारिया सारापोवा इज विजिटिंग योर स्कूल एज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरव्यू मारिया सारापोवा फॉर द स्कूल मैगजीन, डिजाइन ए सेट ऑफ क्वेश्चंस यू विल लाइक टू आस्क हर। इमेजिन करो कि आपके स्कूल में ना मारिया सारापोवा विजिट करने के लिए आई है, और एज अ स्टूडेंट एडिटर होने के नाते आपको स्कूल मैगजीन में उनका इंटरव्यू लेना, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ करोगे आप उनसे, एक क्वेश्चन का सेट तैयार करना है कि जब मारिया सारापोवा आपके स्कूल में आई है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ करो, कौन से क्वेश्चन पूछ करोगे उनसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग फेमस, फेमस होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी, देखो ये तो नहीं है कि हमसे नाम पूछेंगे, हमें उनका नाम पता है, उसकी एजुकेशन पूछेंगे, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हम खुद कर सकते हैं कहाँ से बिलोंग करती है। इसके अलावा आप क्या क्वेश्चन खुद कर सकते हो, व्हाट क्वालिटी डू यू लाइक मोस्ट इन अदर पीपल, व्हाट एनोइज और फ्रस्ट्रेट्स यू द मोस्ट, आपको क्या चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करती है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट करोगे, व्हाट डू यू मोस्ट लाइक इन योरसेल्फ, आप अपने आप में सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू डिसलाइक इन योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट करेंगे, व्हाट हैज बीन योर बेस्ट मोमेंट ऑन ए टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट में आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैज बीन योर वर्स्ट मोमेंट ऑन ए टेनिस कोर्ट। तो इस तरह के आप क्वेश्चन उनसे पूछ कर सकते हैं, और भी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है कि हाँ हम ये भी क्वेश्चन पूछ कर सकते थे, वो भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। आज की जो वीडियो है, क्वेश्चन है, वो थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, इसलिए जो वीडियो है लेंथी रही है थोड़ी। तो बेटा सभी बच्चे जो हैं एक बार अच्छे से समझ लेंगे चैप्टर को, और फिर क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन लिखेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है आपके लिए, तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस।